दीदी कैसी हो आप? अच्छी हूँ। आपके गांव में समूह बन रहे हैं क्या? क्या हुआ दीदी, सब ठीक है? आजकल ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले सख्त हो गए हैं। रिंग लीडर के बारे में जानकारी लेकर उनकी तरफ से आई गई फाइल को रद्द कर रहे हैं। यहाँ तक के कुछ कंपनियाँ रिंग लीडर के वीडियो बनाकर सब मेंबर्स को जागरूक कर रही हैं। हाँ सही कह रही हो, कुछ रिंग लीडर्स पर कानूनी कार्रवाई भी हो रही है, वो वीडियो वायरल भी हो गए हैं। मेरा धंधा 50% से घट गया है। मेरा तो बहुत बुरा हाल है, पिछले महीने मेरी सारी फाइल्स रिजेक्ट हो गई। और ऐसा ही चलता रहा तो हमारे धंधे को जल्द ही ताला लग जाएगा। चिंता मत करो, हम बड़ी दीदी से बात करेंगे। बड़ी दीदी प्रणाम। बहुत बुरा हाल है, लगता है कि ये माइक्रो फाइनेंस वाले जाग गए हैं, धंधा करना मुश्किल हो गया है। पता है छोटी, मेरा भी यही हाल है। मैंने एक बहुत बढ़िया स्कीम सोची है। आने वाले रविवार को अड़ोस पड़ोस के गांव के सब रिंग लीडर्स की मीटिंग रखते हैं। आजकल लीडर के बीच बनाकर सब मेंबर्स को जागरूक कर रही हैं। चिंता मत करो, मेरी तरकीब सुनो। हम लोग गांव गांव में सरकार ने लोन माफ किया है ऐसी हवा फैलाएंगे। इस बहाने अब तक जितने भी बेनामी लोन हमने लिए हैं उसकी किस्त नहीं भरेंगे। मेंबर्स ने आवाज उठाई तो उनका टेंशन मत लो, उनको थोड़ा और कमीशन देकर चुप करा देंगे। बहुत बढ़िया आइडिया दीदी, आपके मुँह में घी शक्कर। वाह वाह। करोड़ों महिलाएं माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से जरूरत के समय लोन लेती हैं। ऐसे रिंग लीडर मेंबर के नाम पर लोन लेकर अपना कारोबार बढ़ाते हैं और मुश्किल के समय कोई न कोई बहाना ढूंढकर किश्त रोक देते हैं। इसमें फंसा कौन? आप। आखिर ये रिंग लीडर हैं कौन? ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी से गलत काम की वजह से निकाला गया कर्मचारी हो सकता है, या हम में से कोई जल्दी पैसा कमाने वाली लालची मेंबर हो सकती है। ऐसे लोगों से बचकर रहिए। अगर आप लोन ले रहे हैं तो अपने लिए ही लीजिए, और जरूरत हो तभी लीजिए, वो भी सही तरीके से। रिंग लीडर के किश्त न भरने के कारण उसे बिल्कुल नुकसान नहीं होता है, क्रेडिट स्कोर आपका खराब होता है। और यदि आपका क्रेडिट स्कोर खराब हुआ तो आपको जरूरत के समय लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी न मारें, जागरूक बनिए। सावधान।